अवतर मरे तुम्हारी अम्बा जीवा मरजो। पासार है शो ग्लिट्स के साथ बोरीवली में प्रमोद महाजन स्टेडियम में नवरात्रि इस टाइम होने जा रही है 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023। और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के सपोर्ट के बिना ये 6 साल इतना स्मूथली नवरात्रि होना पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू संतोष जी एंड योर एंटायर टीम फॉर बिलीविंग इन अस, बिलीविंग इन अवर म्यूजिक एंड अबव ऑल हमारे सारे गरबा प्रेमी जो है इतने सालों से, पिछले 28 साल से, ये हमारा 29th ईयर है तातैया का नवरात्रि का, तो हमारे सारे गरबा प्रेमियों का, हमारे सारे जो हमारी ऑडियंस जो इतने सालों से खेलने आती है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनको देख के हमें बहुत कुछ सीखने मिला है, म्यूजिकली हम लोग ग्रो हुए इतने साल, तो थैंक यू एवरीवन। नवरात्रि में इस साल बहुत सारे नए गाने होंगे गुजराती, स्पेशली माता जी के गरबे, कुछ दाखला, कुछ कृष्ण के रास और कुछ हिंदी फिल्म के इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स रहेंगे, कुछ इंग्लिश गाने भी रहेंगे शायद। तो समय के हिसाब से कितना चेंज होता है गरबे के सॉन्ग में भी, क्योंकि हर साल एक नया होता है, उसके हिसाब से आप कितने चेंज होते हैं आपके गरबे सॉन्ग में, कितनी चेंजिंग आती है, क्या कुछ नयापन लाने की कोशिश होती है आपकी? नयापन तो नए नए रिदम हम लोग कोशिश करते हैं इंट्रोड्यूस करने की, लेकिन ऑफकोर्स हमारे जो खेलने वाले इतने सालों से आ रहे हैं और उनके खेलने में जो है डिस्टर्बेंस ना आए, उनका खेलना कहीं रुके नहीं, वो हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ऐसे रिदम पैटर्न्स इन्वॉल्व करते हैं हर साल। और संतोष जी दोनों जी से जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो भीड़ बढ़ती है, ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, कितनी तैयारियाँ की गई हैं उस सबको लेकर? सिक्योरिटी व्यवस्था से हमने भी इनसे अपॉइंट किया है, मुंबई की डॉक्टर हमें बिल्कुल जमी है, सहारा हमें है, और 20 को अपॉइंट किया, वो अपने अलग किया 20 हमें ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। लास्ट समय हमने नेवी बोर्ड 10 से 12 लाख रुपया कैंसर के लिए दिए हैं, नॉट ओनली कैंसर, हमें हमारे संस्था के माध्यम से 30 से 35 बच्चों जो जैसे स्कूल का रिजल्ट निकलता है तो बच्चों लोग फीस भरपाते स्कूल है, तो रूपा सर के माध्यम से हम लोग रूपा में कंपनी जो जो लोग आते हैं उनको वहां से चेक किया जाता है। सर टाइम बढ़ाने के लिए सर सरकार से कुछ अनुरोध करेंगे, मांग है कि 4 दिन किया जाए इस बार? निश्चित करेंगे और करेंगे भी तो प्रयास करेंगे मिले इसलिए, लेकिन मैं लोगों से इस बात का अपील भी करूंगा कि जैसे मोदी जी 9 दिन का उपवास करते हैं, सिर्फ पानी पी के वो 9 दिन नवरात्र का इतने लंबे समय से परंपरा को उन्होंने कायम रखा है, तो डांडिया के लिए भी थोड़ा समय निकाल कर 9 बजे ना आते हुए 8 बजे आएंगे, 7 का 6 का भले समय है, तो 2 घंटा एंजॉयमेंट बहुत होता है, और बाकी 4 दिन तो मिलता ही है 12 बजे तक, तो थोड़ा लोग भी जल्दी आए बच्चों को लेकर, जिनको समय नहीं होगा, काम पे से देरी से आते होंगे, तो घर परिवार के लोगों को थोड़ा जल्दी भेजने का स्वभाव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, नहीं तो हम सरकार के पीछे ही पड़ेंगे, सरकार अगर समझो कोई कारण से नहीं होता है तो इस कल्चर को हमने खोना नहीं चाहिए, इस कल्चर में जरा भी गिरावट ना आए उसका हमने ख्याल रखना चाहिए। निश्चित निश्चित मेट्रो रेल का टाइमिंग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें कोई ना कोई बदलाव आए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।